नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चटनी स्वयंवर, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुम्हारा अंडा चम्मच से गिरने के बाद भी क्यों नहीं फूटा? वो उबला हुआ था। वाह, इसी को कहते हैं कुशाग्र मस्तिष्क, जिसने युक्ति लगाकर प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। अब दूसरी प्रतियोगिता कल प्रातः होगी। वो प्रतियोगिता मुझे जीतनी ही होगी, अन्यथा मैं 20 अंकों से पिछड़ जाऊंगा। अगले दिन, क्या सभी प्रतियोगी तैराकी स्पर्धा के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, किंतु बाकेलाल ने विलंब क्यों किया? प्रतियोगिता का समय हो चुका है, उसकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। समय की पाबंदी आवश्यक है। कूदो, ठहरो, इस हम तो पहले ही ठहरे हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? झील में मगरमच्छ है। मगरमच्छ के रहते झील में तैराकी प्रतियोगिता नहीं हो सकती, मगर मैं झंडी फहराकर प्रतियोगिता का आरंभ कर चुका हूं। मगरमच्छ उस किनारे की ओर जा रहा है, शायद वो बाहर निकल गया। हमें जेल में देखेगा तो वापस आ जाएगा बेवकूफ। महाराज, तैराकी प्रतियोगिता कहाँ आरंभ की जाए? बाकेलाल को आने दो, तब उससे पूछेंगे। वो मगरमच्छ झील से बाहर जा रहा है। अरे, वो तो खड़ा हो रहा है। महारा, मगरमच्छ अपनी खाल उतार रहा है। खाल तो सांप उतारते हैं। खाल नहीं, केचुली बोल। हाँ, वही। और वो बाकेलाल है। मगरमच्छ की खाल में बाकेलाल। बाकेलाल भी वहां पहुंचा। महामंत्री जी, झंडी दिखाते ही कोई और प्रतियोगिता के लिए झील में क्यों नहीं कूदा? बाकेलाल, वो झील में मगरमच्छ देखकर हम समझे। अरे, वो तो मैं था। मैंने सोचा जब पानी में तैरना ही है तो जलीय जीव का भेष धरकर तैरूं। वाह, इस हिसाब से तो बाकेलाल ही तैराकी प्रतियोगिता का विजेता है, क्योंकि वो ही मेरे झंडी दिखाते ही तैरा। बाकेलाल, मुबारक हो। द्वितीय प्रतियोगिता में तुम विजयी होकर दूसरे प्रतियोगी से 20 अंक आगे हो गए हो। धन्यवाद महामंत्री जी। और अब तृतीय प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि यदि कोई अन्य प्रतियोगी ये प्रतियोगिता जीत भी लेता है तो उसे केवल 10 अंक ही प्राप्त होंगे, और वो बाकेलाल से निश्चित रूप से 10 अंक पीछे होगा। वो मारा। क्यों सेनापति, क्या अब भी तुम्हें बाकेलाल की योग्यता पर कोई संदेह है? जी नहीं महाराज, स्वयंवर में बाकेलाल ही जाएगा। फिर निश्चित दिवस पर बाकेलाल चल पड़ा काइया नगर की ओर। बाकेलाल स्वयंवर जीत खरी लौटना। अब काइया नगर और फिर विशालगढ़ का राजा बनेगा बाकेलाल। त्रियुगति से घोड़ा दौड़ाता हुआ बाकेलाल जा पहुंचा काइया नगर। मैं विशालगढ़ से आया हूँ, ये रहा निमंत्रण पत्र। आप स्वयंवर स्थल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। सेविकाएं बाकेलाल को उसके तंबू में छोड़ गईं। कल प्रातः ही स्वयंवर आरंभ होगा। स्वयंवर की शर्त क्या होगी? दूसरे दिन प्रातः स्वयंवर स्थल पर सभी प्रतियोगी एकत्रित हो चुके थे। राजकुमारी काई की जय हो, स्वयंवर आरंभ किया जाए। स्वयंवर की प्रथम शर्त है मत वृक्ष की टहनी को काटना। यह वृक्ष बुद्धि का वृक्ष है, यह बुद्धिदाता है। इसकी पत्तियों को आंखों आंखों से लगाने पर बुद्धि का विकास होता है, और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है यही है वो ब्रिज। अरे, ये तो बड़ी आसान सी शर्त है। स्वयंवर के प्रतियोगी मत ब्रिज की टहनियां काटने में जुट गए। तड़ाक कड़ाक। बाकेलाल जी, स्वयंवर में आए सभी अतिथि प्रतियोगी मत ब्रिज की टहनियां काट रहे हैं, किंतु आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या आपका स्वयंवर की प्रथम शर्त पूर्ण नहीं करनी है? स्वयंवर से जुड़ी किसी भी वस्तु प्रक्रिया या शब्दों को मैं सरल नहीं मानता। आपने जो आदेश
प्रतियोगियों को दिया है वो बहुत ही सरल है। तो मैं यही सोच विचार कर रहा हूँ कि इसमें स्वयंवर की शर्त वाली कठिनाई क्या है, अर्थात मैं शर्त की गूढ़ता या रहस्य को खोजने की चेष्टा कर रहा हूँ राजकुमारी जी। यदि स्वयंवर की सभी शर्तें इतना ही सरल होंगी तो ये स्वयंवर मैं ही जीतूंगा। चटाक कड़ाक। सभी प्रतियोगी ने स्वयंवर के उस शर्त को कुछ ही पलों में पूरा कर दिया। राजकुमारी जी, हम टहनियां ले आए। ओह, तुम्हें कहा गया था कि मत वृक्ष की टहनियों को काटना, स्वयंवर की प्रथम शर्त है और आप सबने पूरी कर दी। किंतु अभी एक प्रतियोगी सोच विचार ही कर रहा है और वो है बाकेलाल। जब तक बाकेलाल भी प्रतियोगिता की शर्त पूरी नहीं कर देता तब तक इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों बाकेलाल, तुम्हें सोच विचार के लिए अभी कितना वक्त चाहिए? एक पल भी नहीं, मैं तो स्वयंवर की शर्त पूरी भी कर चुका हूं। क्या, कब? मत ब्रिज की टहनी कब काटी? राजकुमारी जी, आप चाहें तो इस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दें। ठीक है बाकेलाल, मैं परिणाम की घोषणा करती हूँ। स्वयंवर की प्रथम प्रतियोगिता की विजेता बना विशालगढ़ का बाकेलाल। क्या बाकेलाल? हाँ, किंतु बाकेलाल ने तो मतबरिज की टहनियां भी नहीं काटी। ये सच है कि बाकेलाल ने मतबरिज की टहनी नहीं काटी, किंतु यही तो स्वयंवर की शर्त थी। आप सब प्रतियोगी ने स्वयंवर की शर्त को ठीक से सुना नहीं था। शर्त थी मत वृक्ष की टहनी को काटना, अर्थात वृक्ष की टहनी को मत काटना। और बाकेलाल टहनी को ना काट कर स्वयंवर की प्रथम शर्त का विजेता बन गया। मुबारक मुबारक। मोटे को मारने की योजनाएं बनाते बनाते मेरा मस्तिष्क भी सोचने लगा है। राजकुमारी जी के गन्ने का रस पीने का समय हो गया है। अगली प्रतियोगिता 2 घंटे पश्चात होगी। तब तक आप लोग विश्राम कर सकते हैं या आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर सकते हैं। बाकेलाल निकल पड़ा भ्रमण को। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है! हजारों पक्षियों से भरी झील बेहद मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है, किंतु पक्षियों का कलरव बड़ा विचित्र है। हाँ, ये पक्षी दुखी दुखी का स्वर निकालते हैं। कहते हैं कभी यहाँ पर राजा दुखी मन का राज हुआ करता था। इस स्थान का नाम था दुखलापुरम। राजा के 100 बलशाली पुत्र थे, किंतु सभी को अंगूठा चूसने की गंदी आदत थी। एक बार शत्रु देश के राजा एक बार आजा ने दुखलापुरम पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राजा दुखी मन की हार हुई, क्योंकि उसके सभी 100 पुत्र तलवार उठाने की आह पर अंगूठा चूसते रहे। तलवार उठाने की जगह पर अंगूठा चूसते रहे। इस दुख में भरकर राजा ने अपने सभी पुत्रों को इसी झील में डुबोकर मार डाला। कहते हैं ये राजा के पुत्र हम उसके वंशज ही हैं जो पक्षियों की योनि में पैदा हुए। इन पक्षियों की विशेषता ये थी कि ये हमेशा दुखी रहते हैं। ये झील कभी सूखती नहीं, क्योंकि दुखी पक्षी हमेशा रोते रहते हैं और उनके आंसुओं से झील हमेशा भरी रहती है। ओह, कितनी दुख भरी कहानी है इन पक्षियों की! मेरे तो आंसू निकल आए। मेरे अनुमान से दूसरी प्रतियोगिता का समय हो चुका है। स्वयंवर की दूसरी प्रतियोगिता का समय हो चुका था। स्वयंवर की दूसरी शर्त है बिना रथ बांधे एक साथ 4 घोड़ों की सवारी। एक साथ 4 घोड़ों की सवारी? एक साथ 4 घोड़ों पर कोई कैसे बैठ सकता है? ये सोचने का काम आपका है। पेश है 4 घोड़े। वो तो मैं तो एक पर भी ठीक से नहीं बैठ सकता। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। एक पांव एक घोड़े पर, दूसरा पांव दूसरे घोड़े पर, ये तो 2 घोड़े की सवारी हुई, जबकि कमी है 4 घोड़ों की सवारी। बताओ, लोग हमारी पीठ पर बैठते हैं, ये खड़ा है। हिन? अरे, वो 4 घोड़ों की पीठ पर लेट गया है, पर सवारी होगी या नहीं ये तो घोड़ों के दौड़ने पर ही पता चलेगा। मगर घोड़ों की एयर लगाते ही ये तो होना ही था। धगर धगर, आ! बाकेलाल
बाकेलाल, क्या तुम बता सकते हो कि चार घोड़ों की सवारी किस प्रकार से होगी? वही तो सोच रहा हूं। ओह, सोच गया उपाय चार घोड़ों की सवारी का। स्वयंवर की दूसरी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहे प्रत्येक अतिथि की चेष्टा असफल हो गई। नहीं, ये तो एक ही घोड़ी की सवारी हुई। तब आई बाकेलाल की बारी। बाकेलाल आ गया। ओह, ये तो सचमुच चार घोड़े की सवारी कर रहा है। वाह वाह, दूसरी प्रतिस्पर्धा का विजेता भी बाकेलाल। तिगड़ तिगड़, तीसरी प्रतियोगिता भी तुरंत होगी। प्रतियोगिता को करनी होगी बिन बादल बरसात। बिन बादल बरसात? बरसात बरसात तो बादलों से ही होती है, और बादल तो एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कैसी प्रतियोगिता है? राजकुमारी जी जानबूझकर कठिन शर्तें रख रही है ताकि उन्हें अपना राज ना देना पड़े। शायद वो विवाह करने की इच्छुक नहीं है और केवल आमोद प्रमोद के लिए ही हमें यहाँ आमंत्रित किया है। गुर, ये आरोप सर्वथा निराधार है। यदि कोई प्रतियोगिता बिना बादल बरसात नहीं कर पाया तो मैं भी इस बात को स्वीकार करके पर्चिया डालकर आप में से अपना पति चुन लूंगी। मैं तो बिना बादल बरसात नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, किंतु मैं कर सकता हूं। ये कैसे करेगा? बाकेलाल पहुंचा दुखला झील में और उसने उड़ा दिए झील में हजारों की तादाद में उपस्थित दुखी पक्षी। फट फट, अरे ये तो वास्तव में हो रही है बिन बादल बरसात। दुखी पक्षी हर वक्त रोते रहते हैं, उनके आंसुओं की बरसात हो रही है। अभी होगी बिन बादल बरसात। ये विचार हमारे मस्तिष्क में क्यों नहीं आया? ये प्रतियोगिता भी बाकेलाल ने जीत ली। अब अंतिम प्रतियोगिता बहुत मामूली सी है और वो ये है कि भूमि आकाश कब हो जाती है? भूमि आकाश तो कभी भी नहीं हो सकती। ये शर्त बाकेलाल भी पूरी नहीं कर पाएगा। भूमि आकाश कब हो जाती है? वो मारा, पता चल गया कि भूमि आकाश कब हो जाती है। दूसरे पल बाकेलाल भूमि पर उल्टा खड़ा था, अर्थात सिर नीचे पांव ऊपर। आकाश हमारे सिर पर होता है। लो, हो गई भूमि आकाश। वाह वाह, बाकेलाल ने स्वयंवर जीत लिया। बाकेलाल, वरमाला मैं आपको पहनाती हूं। आज से आप मेरे पति हो। पुष्प वर्षा करो। और ये रहे काया नगर का राज्य की वैधानिक कागजात। इसमें लिखा है कि आज से इस राज्य के राजा आप हैं। तो क्या मैं राजा बन गया? हाँ, किंतु केवल एक रस्म के पश्चात। अब मुझे प्रतीक्षा करनी है उस रस्म की। कौन सी रस्म? उसे भी शीघ्र ही पूरा कर लो उसे भी शीघ्र ही पूरा कर लो ना राजकुमारी। अवश्य बाकेलाल, आओ महल महल में चलो। हमारे कक्ष को सुगंधित पुष्पों एवं इत्र से सजाया है। अरे, परंतु वो सभी अतिथि प्रतियोगी एकाएक कहाँ चले गए? एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है सब चले गए। उनकी चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो। मेरा मतलब, आज हमारी सुहागरात सुहागरात की रात है। किंतु वो रात्रि तो सुहाग के नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ इसे सुहागन रात्रि कहते हैं। अब विशालगढ़ भी सिकरी मेरा होगा। ओह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने राजकुमारी के स्वयंवर की कठिन शर्तों को कितनी सरलता से पूर्ण करके स्वयंवर को जीत लिया है। आखिर मेरा मस्तिष्क अचानक इतनी तेजी से कैसे सोचने लग पड़ा? अगले दिन प्रातः ही बाकेलाल को वो खुशखबरी सुनने को मिली। मुबारक हो महाराज। महाराज? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि अब यहाँ का राजा मैं हूं। ये कैसी मुबारकबाद है सेविकाओं? प्रसन्नता का समाचार है, आप पिता बनने वाले हैं। क्या पिता? किंतु अभी कल रात ही तो मेरा विवाह राजकुमारी से हुआ है। एक ही रात में पिता? हमारे यहाँ एक ही रात में पिता बन जाते हैं। तुम्हारे यहाँ? क्या मतलब? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें अवश्य ही कोई भेद है। भेद ये है स्वामी की। हम चुड़ैले हैं, अर्थात चटनी चुड़ैल, और मैं हूं चटनी चुड़ैले की राजकुमारी काई। चटनी चुड़ैल? तो क्या मेरा विवाह चटनी स्वयंवर में एक चुड़ैल से हुआ है?
अरे ये क्या कर रही हो, मुझे बंदी क्यों बना रही हो? ये बंदी रस्म है। विवाह के पश्चात चुड़ैलों की एक रस्म पूत पैदा तक आपको बंदी बनाकर रहना होगा। पूत पैदा, ये कैसी रस्म है? प्रिय प्राणवर, इस रस्म के विषय में आपको उसी क्षण बताया जाएगा। बेटा बाकेलाल, इन्होंने तो तुझे कुत्ते के समान बांध दिया है, हुन तेरा की होगा। महाराज के लिए दूध लाओ। ले मोती, मेरा मतलब श्रीमान बाकेलाल जी, कृपया कर दूध ग्रहण करें। बाके, ये किस संकट में फंस गया तू? भला क्या होगी पूत पैदा रस्म, और तब तक ये मुझे बंदी बनाकर क्यों रखेंगे? बाके बेटा, पूत पैदा रस्म से पूर्व भी तुझे इस कैद से निकलना होगा। चप चप। उसी शाम, मुबारक हो प्रियवर, पूत पैदा हो चुका है। आप पिता बन चुके हैं और मैं माता। अब उस रस्म की पूर्ति का समय आ गया है। क्या मैं संसार का प्रथम पिता हूँ जो विवाह के एक दिन पश्चात ही पिता बन गया? प्रियवर, हमारे यहाँ पूत पैदा होते ही पति चट का रिवाज है, अर्थात हम चटनी चुड़ैले अपने पति को चट कर जाती हैं। काया नगर में पति नाम की चीज नहीं मिलती। हमारे यहाँ वंश वृद्धि के लिए विवाह तो किया जाता है, किंतु पुत्र पैदा होते ही पति को स्वयं पत्नी ही चट कर जाती है। बाकेलाल ने उछलकर चटनी चुड़ैल का गला दबोच लिया। तुमने मुझे रस्सी से बांध तो दिया, किंतु किसी भी संकट से बचने के लिए जो तेज धार चाकू मैं अपने साथ लाया था, उसे तुमने मेरे पास ही छोड़ दिया। चाकू से रस्सी काटकर मैं आजाद हो गया। अब तू पति चट नहीं करेगी, अब मैं पत्नी चट करूंगा। बचाओ, खचाक। राजकुमारी की दर्दनाक चीख सुनते ही अन्य चुड़ैल भीतर आ गई और अरे ये क्या, पति चट के स्थान पर पत्नी चट हो गई? बाप रे, इतनी चुड़ैलों का सामना किस प्रकार करूंगा? इसी के साथ चुड़ैले हो गए भस्म, भस्मीभूत। हमारे राजकुमारी में ही हमारे प्राण बसे थे, उनकी मृत्यु के साथ ही हम भी भस्म हो रही हैं। बाकेलाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मारा, सारी चुड़ैले मारी गई। हाँ बाकेलाल, और हम भी इनके आंसू भरी है, ये जिंदगी की राहें नामक जादू से मुक्त हो गए। आप कौन हैं? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में छिछोरे रहते हैं। अर्थात हम छिछोरा नगर के वासी हैं। मैं छिछोरा सम्राट छेणु राज हूँ। हमारे यहाँ छिछोरा शब्द शराफत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अपने राज्य के सबसे बड़े शरीफ व्यक्ति को हम छिछोरा की उपाधि प्रदान करते हैं। चुड़ैलों की राजकुमारी मानव वेश में यहाँ आई तो हमने उसको भी यही उपाधि दी थी, किंतु उसने हमें धोखे से पक्षी बनाकर दुखलापुरम के पक्षियों के साथ दुखला झील में कैद कर दिया। हम भी उन्हीं पक्षियों में शामिल थे, बाकेलाल, जिन्होंने बिन बादल बरसात की थी। चटनी चुड़ैलों के मरते ही हम उसके जादू से मुक्त हो गए। अब हम तुम्हारे लिए एक ऐसा कार्य करने को बाध्य हैं जिसमें चाहे तो हमारे प्राण भी चले जाएं। यदि तुम्हारा ऐसा कोई कार्य अटका हुआ है तो हमें शीघ्र बताओ, क्योंकि इस समय पप्पू योग चल रहा है। हम जो भी करेंगे उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। ओ, ये बात तो फिर अति शीघ्र विशालगढ़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाओ। अप्पा तैयार है। पप्पू योग जिंदाबाद। बाकेलाल छिछोरा की सेना के साथ विशालगढ़ आ पहुंचा। उसकी खबर सेनापति को लग गई और महाराज महाराज, बाकेलाल ने विचित्र लोगों की सेना के साथ विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। क्या बाकेलाल ऐसा क्यों कर रहा है? राजा विक्रम जी को राजा का कर्तव्य तो निभाना ही था। मारो मारो, बाकेलाल को युद्ध का उत्तर दो। अब समझ में आ गया बाकेलाल की नीचता। बाकेलाल ने पहले भी मूछों का चक्कर चलाकर महाराज के प्राण संकट में डाल दिए थे, किंतु इससे पहले कि युद्ध हो पाता। अरे बाप रे, कौन आ गया? मैं आपका ही पुत्र गुलगुली हप्पा हूँ, पिताश्री जो कल रात पैदा हुआ था। हम चुड़ैलों के पुत्र बज्जात कहलाते हैं और बहुत शीघ्रता से युवा हो जाते हैं। अब आपने मेरी माँ को मारा है, आज मैं आपसे अपनी माँ की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। गुली गुली हप्पा। अब गुली गुली हप्पा के यहाँ तो मुझे कौन बचाएगा?
इसको मारना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारा एक ही अटका हुआ कार्य कर सकते थे, और वो कार्य विक्रम सिंह से युद्ध है। तभी ये बाण किसने मारा, और ये मुझे भी लग गया खचाक, ये बाण मैंने चलाया है। रानी स्वर्णलता, तुमने बाण क्यों चलाया? दुष्ट बाकेलाल को मर क्यों नहीं जाने दिया? इसने विशालगढ़ पर आक्रमण का दुस्साहस किया है। नहीं राजन, बाकेलाल ने कुछ गलत नहीं किया। इसने तो जो कुछ भी किया है अपनी प्रजा एवं विशालगढ़ की भलाई के लिए किया है। आप कौन हैं? मैं बुद्धि का देवता सहयोगी देव बल बुद्धि हूँ। वास्तव में बाकेलाल के द्वारा मूछ का चक्कर चलाने के पश्चात जब राक्षस मूछ पछाड़ आपका वध करने आपकी ओर बढ़ा तो आपने उस पर बाण छोड़े थे। वे बाण उसी समय मेरे प्राणों के लिए संकट बने खड़े संकट केतु नाम के राक्षस को जा लगे थे, जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। इसलिए स्वयंवर में मैंने विशालगढ़ को विजेता बनाने के लिए बाकेलाल की बुद्धि इतनी तीव्र कर दी कि वो स्वयंवर के सभी शर्तों को पूर्ण कर चला गया, और इस दुष्ट चुड़ैल पुत्र गली गली हप्पा की मृत्यु तो ऐसे ही स्त्री के हाथों तो होनी लिखी थी, जिसके कारण इसके बाप से इसकी मां का बिहा हुआ हो, और वो स्त्री रानी स्वर्णलता ही है। यदि बाकेलाल रानी जी को आपके खिलाफ ना भड़काता तो आप ही स्वयंवर को जाते, और इस वक्त आपको गुली गुली हप्पा के हाथों तो कोई भी ना बचा पाता। ओ, तो ये बात थी। किंतु फिर बाकेलाल सारी सेना लेकर युद्ध करने क्यों आया? यदि बाकेलाल ऐसा कदम ना उठाता तो ऐसे हालात भी ना बनते कि रानी जी स्वयं ही यहां आकर गुली गुली हप्पा पर बाण चलाएं। हाँ, मैंने सोचा कि बाकेलाल के कारण ही मेरे घर में सौतन आने से बच गई। इस कारण मुझे अपने कर्तव्य का बोध हुआ और मैं बाकेलाल की रक्षा को चली आई। बेटा गर्ग, होनप्पा चलते हैं गया। फिर बाकेलाल, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? ऐसा करने से वैसा होगा और वैसा करने से ऐसा। दे पुच्छी, बाकेलाल की जय। महाराज, शिवजी की भविष्यवाणी ने ही मुझे ये सब करने को प्रेरित किया। तत्पश्चात छिछोरी भी लौट गए। हाय रे फूटी किस्मत। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और Top 10 Pitara को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।